अभी आपके आईपीसी के अंदर एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो आपका है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, आप अपने में चेक कर लो। ठीक है, मिल गया क्वेश्चन सभी को। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, किसी अपराध को करने के लिए, किसी क्राइम को करने के लिए योजना बनाना है ना। आप और मैं दोनों मिलके सोच रहे हैं, ठीक है, कि इस आदमी को कैसे मारा जाए। मैं और शिवांगी मिलके सोच रहे हैं कि मीनू को कैसे मारा जाए, है ना। तो षड्यंत्र कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बाय द वे मत लेना, एक एग्जांपल से समझना, याद रहेगा कि मैडम ने मेरा नाम लेके बोला था क्लास में, है ना। आज सुनो, देखो आईपीसी के जब क्राइम की स्टेजेस के बारे में पढ़ते हैं ना, तो हम यूँ कहते हैं कि भाई इंटेंशन जो है ना वो क्राइम नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हमारे मस्तिष्कों का मिलन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, माइंड हमारा एक दूसरे का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, षड्यंत्र रच रहे हैं ना हम, इसको मारना है। अब मारेंगे तो कुछ योजना बन तरीके से ही तो मारेंगे ना। तो ये जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, पहले इसको ऐड नहीं किया गया था आईपीसी में, लेकिन 1913 के अंदर एक अमेंडमेंट आया था आपका, तो जिसमें एक नया चैप्टर ऐड किया गया था, चैप्टर 5A। लिख लेना, बाबेल में शायद ना भी हो लेकिन अपने उसमें देख लो, चैप्टर 5A आया था। और ये जो चैप्टर 5A है ना, ये सिर्फ ओनली दो ही सेक्शन से डील करता है, आपका सेक्शन 120A और 120B। क्लियर? इतना क्लियर हुआ अभी तक? अब एक बात बताओ, अब मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि मैं और शिवांगी मिलके मीनू को मारेंगे, है ना। तो अभी एक बात बताओ, मीनू को मारना इलीगल एक्ट है या नहीं है, है ना। और मान लो इलीगल है भी नहीं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि साधन जुटा रहे हैं, ऐसे साधन जो इलीगल हो, तो वो क्रिमिनल। और उस दोनों को मारने के इंटेंशन से हमने सोच लिया भाई इसको मारना है और चक्कू से मार देंगे, है ना। तो उस पे मारने के लिए हम दोनों अपनी कंसेंट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, बताओ, है ना। तो ये क्या बोलता है कि जो आईपीसी है, आईपीसी के सेक्शन 120A में जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है ना, इसकी डेफिनेशन दी गई है। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के डेफिनेशन में दो या दो से अधिक व्यक्ति लोग, एक अकेला आदमी थोड़ी ना षड्यंत्र रच सकता है भाई। योजना तो दो लोग मिलके ही बना रहे हैं ना, मन में जरूर आ सकती है मारने की, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई इलीगल एक्ट को, या ऐसा कोई एक्ट जो इलीगल नहीं है, इलीगल साधनों के द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी कंसेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है वो कहलाएगी। क्लियर कि नहीं क्लियर? परंतु इस ऑफेंस को करने के लिए कोई कंसेंट के सिवाय, कोई कंसेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में तब तक नहीं होगी जब तक कि कंसेंट के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों के द्वारा नहीं कर दिया गया हो। इलीगल एक्ट एक ऐसी कंसेंट है जिसका ऑब्जेक्ट क्या है, अनुषांगिक मात्र होता है। कुल मिला के जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लोग किसी इलीगल एक्ट को करने या किसी लीगल एक्ट को इलीगल साधनों के द्वारा किए जाने का अगर एग्रीमेंट करते हैं, तो वो कहा जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। व्हेन टू और मोर पर्सन एग्री टू डू और कॉज टू बी डन एन इलीगल एक्ट और एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल बाय इलीगल मींस, सच एन एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्लियर? उसके बाद में हीरालाल हरीलाल भगत वर्सेस सीबीआई नई दिल्ली का केस था, जिसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि जब दो पक्षकारों के बीच में किसी इलीगल एक्ट को करने के लिए कोई एग्रीमेंट हुआ है, तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगा। रामनारायण वर्सेस सीबीआई का केस था, तो यहाँ पे जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो करने वाले थे ना, उन्होंने किसी इलीगल एक्ट को करने के लिए एक साथ सहमत हुए,
और उनके बीच में किसी इलीगल एक्ट को करने का एग्रीमेंट हुआ, जो कि क्या है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी होगा, चाहे वो कार्य किया ही ना जाए. एन एग्रीमेंट बिटवीन कॉन्स्पिरेंटर्स टू डू एन इलीगल एक्ट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी. नो ओवर्ट एक्ट नीड टू डन प्रेजेंस ऑफ कॉन्स्पिरेंसी. अब इसके एसेंशियल एलिमेंट क्या, अब देखो, सबसे पहले तो जब हम एक दूसरे को, मीनू को मारने का मन में विचार आ गया, दोनों उस बात के ऊपर रेडी हो गए, सहमत हो गए, तो एग्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका फर्स्ट एलिमेंट है एग्रीमेंट, दो या दो अधिक व्यक्तियों के बीच में करार होना. ठीक है, जो एग्रीमेंट है ना, ये इसका एसेंशियल पार्ट है. ठीक है, अगर मान लो किसी इलीगल कार्य को करने का अगर हमने मन में मानस बना लिया, मन में दिमाग में सोच लिया, दोनों ने मिलके मन में सोच लिया, तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अपराध के गठन के लिए जो कुछ आवश्यक है वह है किसी इलीगल एक्ट को किए जाने का करार. उस करार का मतलब उस इलीगल एक्ट को करने के लिए आप क्या है, अपनी कंसेंट दे रहे हो, आप सहमत हो. स्टेट वर्सेस डॉक्टर अनूप कुमार श्रीवास्तव के केस में ये बात कही गई. ठीक है, उसके बाद में नजीर खान वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली का केस था, इसमें भी इसको एसेंशियल एलिमेंट जो है वो माना गया. शेरमिन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस था, इसमें भी इसको इन्होंने बोला कि भाई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अपराध को अगर आपको करना है तो वहाँ से एक से अधिक व्यक्तियों के बीच में किसी एग्रीमेंट का होना जरूरी है. इट मीन्स जो आपका माइंड है ना, मीटिंग ऑफ माइंड जरूरी है यहाँ पे, मस्तिष्क को मिलन. राजीव हत्याकांड का जो मामला था, सारे जो षड्यंत्रकारी थे एक घटना पे उपस्थित थे क्या? राजीव हत्याकांड में सारे एक जगह पे थे क्या? नहीं थे. जो षड्यंत्रकारी होते हैं ना, उनका एक जगह होना जरूरी नहीं है. अगर उनकी मीटिंग ऑफ माइंड हो चुकी है देन उसके अंदर इंक्लूडेड रहोगे. ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अपराध के गठन के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऑब्जेक्ट का ज्ञान होना ही सफिशियंट है. अगर आपके मन में आपको पता है आपका उस काम को करने का उद्देश्य है, तो ये जो उद्देश्य है ना, यही सफिशिएंट है. फिर इलीगल एक्ट को करने या लीगल एक्ट को इलीगल साधनों के द्वारा किया जाना. अब एक बात बताओ, कोई वुमेन है, उसका मिसकैरेज कराने के लिए, बच्चे को गिराने के लिए आप साधन जुटा रहे हो, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है कि नहीं है? किसी स्त्री के साथ में उसे वेश्या बन जाने पर करार करना, अन्य व्यक्ति के साथ में इलीगल संबंध स्थापित करने के लिए सहमत करना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगी कि नहीं होगी? अपनी क्लास के अंदर प्लीज माइक ऑफ रखा करें. ठीक है, फिर इलीगल एक्ट को करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होना जरूरी है कि नहीं है एग्रीमेंट? तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है या नहीं है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अगर करनी है तो आपका मेंस रिया होना जरूरी है कि नहीं है? किसी सोसाइटी के अध्यक्ष को मात्र इस आधार पे कि वो सोसाइटी के सारे डॉक्यूमेंट, सारे कागज पर हस्ताक्षर करता था. ठीक है, डिस्प्यूटेड जो डॉक्यूमेंट थे उसके ऊपर भी उसके सिग्नेचर थे, क्या उसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इंक्लूड करोगे आप? बताओ, नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो सिग्नेचर करता था. ठीक है, और सिग्नेचर करने से उसका कोई मेंस रिया जो है वो साबित नहीं हो सकता. अब इसके बाद में आती है पनिशमेंट के बारे में. तो 120 बी जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, जो सेक्शन 120 बी जो है वो इसके पनिशमेंट के बारे में डील कर रहा है. अब पनिशमेंट भी यहाँ पे देखो, सुनो ध्यान से, अगर कोई ऐसा क्राइम कर रहे हो जो कि डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 2 साल से अधिक की अवधि के रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट से अगर दंडनीय अपराध कारित करने का आपराधिक षड्यंत्र में सम्मिलित होने पर इसी प्रकार के दंड की व्यवस्था है, मानो उसने ऐसा अपराध दुष्प्रेरण किया हो. ठीक है, इसने क्या बोला
कि अगर कोई आप ऐसा काम कर रहे हो, कैसा काम कर रहे हो जो किसी डेथ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है, ठीक है, कोई लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है ना, या फिर नेक्स्ट कौन सा बताया, एक और 2 साल से अधिक का कोई कारावास का अगर आप कोई अपराध कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको वो पनिशमेंट मिलेगी जो अबेटमेंट के लिए मिलती है, जो किसके लिए मिलती है, अबेटमेंट के लिए मिलती है, ठीक है। तो देखो अब अबेटमेंट के लिए पनिशमेंट है ना, तो इसके लिए आपका सेक्शन 115 है आईपीसी में, आईपीसी में अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इट इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड। क्या कह रहा है कि जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किए जाने का अबेटमेंट करेगा, यदि वो अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप न किया जाए, तो ऐसे दुष्प्रेरण के दंड का कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता के अधीन नहीं किया गया हो, तो दोनों में से किसी भी भाती के कारावास से जिसका टाइम पीरियड 7 वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो है वो दंडित किया जाएगा। क्लियर क्लियर कि नहीं क्लियर, ठीक है, मतलब कि 7 साल तक का, 115 रिलेट कर लेना यहाँ से। फिर दूसरा क्या कहता है कि उपरोक्त के अलावा अन्य क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी में इंक्लूड होने वाले 6 माह तक की अवधि, सुनिए, कोई ऐसा एक्ट कर रहे हो आप जिसमें LI डेथ है, DI डेथ इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है, तो वहां पे अगर कोई ऐसा क्राइम कर रहे हो तो वो 7 साल तक की आपको वहां पे सजा मिलेगी आपराधिक षड्यंत्र उस काम को करने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, अगर मान लो 2 साल तक का हो गया, मृत्युदंड का हो गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का हो गया, अब मान लो 2 साल से कम की हम कोई क्राइम कर रहे हैं, 2 साल से कम का कोई क्राइम कर रहे हैं, तो उन सरकमस्टेंसेस के अंदर आपको 6 महीने तक की सजा मिलेगी। क्लियर। अब इसके नए प्रोविजंस की बात करूं ना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के नए प्रोविजंस की अगर मैं बात करूं, तो 120A जो है डेफिनेशन जो क्लोज है वो आपका 61 में है, और 120B जो है वो आपके 61 के क्लोज 2 के अंदर है, ठीक है। अभी एक सेकंड रुकना, इसकी पनिशमेंट मैं आपको चेक करके बता दी हूँ 61 के क्लोज 2 की कितनी है। तो आपके BNS में भी जो ये दे रखा है इसका पनिशमेंट का वो सेम ही है, ठीक है, कि अगर मान लो कोई मृत्यु, डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 2 साल से अधिक की अवधि का अगर कोई अपराध कारित करता है, तो वहाँ पे आपको ऐसी पनिशमेंट मिलेगी जो अबेटमेंट के लिए है, ठीक है। और अगर मान लो इन ऑफेंसेस के अलावा अगर कोई ऐसा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में सम्मिलित होने का अगर कोई अपराध कारित कर रहा है, तो वहाँ पे आपको 6 महीने तक के इम्प्रिजनमेंट से क्या है, दंडनीय किया जाएगा, या फाइन भी आपके ऊपर क्या है, फाइन या फिर बहुत से क्या है आपको इम्पोज किया जाएगा। अब आता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और कॉन्स्पिरेसी के द्वारा अबेटमेंट में डिफरेंस, ठीक है। तो जब भी हम आपराधिक षड्यंत्र और षड्यंत्र द्वारा अबेटमेंट दुष्प्रेरण के बारे में पढ़ते हैं, तो देखो षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण में एक्यूज षड्यंत्र के अंदर इंक्लूडेड होएगा, कॉन्स्पिरेसी में इंक्लूडेड होता है, जबकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में वो क्या कर रहा है, उस बात के ऊपर क्या कर रहा है, एग्री कर रहा है, ठीक है, उस बात पे सहमत हो रहा है। कॉन्स्पिरेसी के द्वारा अबेटमेंट के ऑफेंस के अंदर कॉन्स्पिरेसी के अनुसरण में किए गए कार्य या इलीगल लॉप का होना आवश्यक है, लेकिन उसमें उनकी कंसेंट ही क्या है, जरूरी है। प्रेमनाथ वर्सेस सरोज रंजन का केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के बीच में डिफरेंस देते हुए कहा कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का अपराध जो है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस जो है, वो किसी क्रिमिनल एक्ट को करने का एग्रीमेंट करने के मात्र को गठित होता है। इट मीन्स आप उसके अंदर सिर्फ एग्रीमेंट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर षड्यंत्र द्वारा अगर आप अबेटमेंट कर रहे हो, तो उसके अंदर आपका एक्ट और ओमिशन का किया जाना आवश्यक है। केयर सिंह वर्सेज दिल्ली प्रशासन का केस था, इसमें भी इन्होंने बताया कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का कोई क्रिमिनल एक्ट करने के लिए सफिशियंट होना ही, उसके ऊपर एग्रीड होना ही सफिशियंट है, चाहे फिर आपने वो अपराध किया या नहीं किया। जबकि
षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण यानी कि कॉन्स्पिरेसी द्वारा अगर आप अबेटमेंट कर रहे हो तो वहां पे आपका किसी इलीगल एक्ट या ओमिशन का होना आवश्यक है। ठीक है, क्लियर कि नहीं क्लियर?